गोरखनाथ पुलिस ने एक अभियुक्त को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर धर्मशाला चौराहा पर से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान उमा शंकर सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी कढ़ान बेरिया थाना केसरिया जनपद पूर्वी चंपारण बिहार हाल मुकाम निकट ऑक्सफोर्ड स्कूल भगत चौराहा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 5 किलो अवैध गांजा, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, एक मोबाइल, 1000 नगद बरामद हुआ है। एसपी सिटी ने बताया कि 7 फरवरी को चौकी प्रभारी धर्मशाला द्वारा एसएसटी टीम के मजिस्ट्रेट गिरजानंद सिंह, वाणिज्य कर अधिकारी एसआईबी रेंज ए वाणिज्य कर द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत चुनाव को प्रभावित कर सकने के लिए इस्तेमाल हो सकने वाले अवैध वस्तु की चेकिंग धर्मशाला बाजार पर की जा रही थी। चेकिंग के दौरान रोके गए वाहन स्विफ्ट डिजायर स्लेटी रंग को चेकिंग के लिए रोका गया तो वाहन चालक उमाशंकर सिंह पुत्र राम बहादुर सिंह निवासी कढ़ान बेरिया थाना केसरिया जनपद पूर्वी चंपारण हाल मुकाम निकट ऑक्सफोर्ड स्कूल भगत चौराहा थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर ने इधर उधर की बातें करने लगा, जिस पर संदिग्ध प्रतीत होने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर वाहन से डिग्गी से एक काले नीले रंग के बैग में पूरी तरह से प्लास्टिक के टेप में बांधकर रखा गया है, जिसमें अवैध वस्तुएं बरामद हुई, जिस पर बरामदगी के आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में वाणिज्य कर अधिकारी गिरजानंद सिंह, एसआईबी रेंज 1 वाणिज्य कर गोरखपुर, चौकी प्रभारी धर्मशाला अरविंद कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार गौतम, हेड कांस्टेबल इम्तियाज खान थाना गोरखपुर, कांस्टेबल भीम पटेल, मुकेश कुमार बिंद शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, एसएसटी टीम और सीओ गोरखनाथ, सीओ क्राइम और प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ, इन लोगों ने मिलकर जब चेकिंग कर रहे थे धर्मशाला बाजार पर, चुनाव के दृष्टिगत चेकिंग चल रही थी, उसी क्रम में एक गाड़ी की चेकिंग की गई स्विफ्ट डिजायर की UP 53 CE 9101। इसकी चेकिंग के दौरान इसमें से 5 किलोग्राम अवैध गांजा इसके डिग्गी में पाया गया और उसके अतिरिक्त 1 अदद 12 बोर का अवैध तमंचा और 1 12 बोर की कारतूस थी जो उसमें फंसी हुई थी, ये उनके पास से बरामद किया गया है। इस क्रम में मुकदमा अपराध संख्या 25/22 और 26/22 पंजीकृत किए जा रहे हैं NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के, उसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम उमाशंकर सिंह है, जो मूल रूप से थाना केसरिया जनपद पूर्वी चंपारण बिहार का रहने वाला है।